बेटा बाहर आ जा। मम्मा। हाँ? अभी भी बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। हम्म? वो यहाँ नहीं आएगी। हम्म? बाहर आइए मयंक, बाहर निकलिए। डैडी, डैडी, वो यार नहीं आएगी। तुम्हें कैसे मालूम बेटा? मम्मी ने बताया, वो यार नहीं आएगी। हाँ मयंक, अब हम यहाँ आ गए हैं ना तुम्हारे कजन राकेश के घर पे, तो सब ठीक हो जाएगा। मयंक मेरी तरफ देखो, यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई आवाज नहीं आएगी यहाँ। वैसे भी ये घर खाली पड़ा है ना, सब ठीक हो जाएगा। हुँ? भगवान करे तुम लोग जो कह रहे हो वही सच हो। डैडी का हाथ पकड़ो बेटा। सुनो, ध्यान से सुनो।
अभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यही है वो। मयंक ये कैसे हो सकता है? मयंक वो तो वहां उस घर में था ना। मेरे कहा था ना वो देखो यहां तक आ गया मेरे पीछे पीछे। ये आवाज सच रूप से आ रही है। Ha ha ha!
ये ले आलू का पराठा। अरे बुआ ये आप क्या कर रहे हो, आप तो मुझे मोटा कर दोगे। और आपको पता है ना मैं डाइटिंग कर रही हूँ। कितना डाइटिंग करेगी तू, जरा अपनी तरफ तो देख, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं। बुआ ये आप क्या कर रहे हो, ये लो। और मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं तू आराम से खाना खा, मैं देखती हूँ। हे मानसी तुम? सुधा तू यहाँ कैसे? बस ये यामिनी की मम्मी गई हुई है नासिक, तो मैं उसकी देखभाल करने आई थी यहाँ पर। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। और बता कैसे आना हुआ? मुझे ना एक बहुत ही भयानक हादसे के बारे में पता चला, सोचा चल के बता दूं। हाँ तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, मुझे बता। मेरी ना एक दोस्त है, उस बेचारी का पति बाथरूम से गायब हो गया। कुछ पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला कि मयंक कहाँ चले गए, मयंक कहाँ चले गए। आप एकदम भागकर पहुंच गई थी ना वहां? जैसे मैंने चीखने की आवाज सुनी मैं तब भागी। और क्या देखा? देखा खून की छींटे चारों तरफ, बस बस खून की छींटे थे। मयंक नहीं थे, और वो बच्चा? वो बच्चा पता नहीं कौन है, बस रोता ही रहता है। कब से आ रही है रोने की आवाजें? 10-12 दिनों से आ रहे हैं। मयंक तो एकदम पागल हो गए थे, वो बच्चे की आवाज सुन के एकदम डर से जाते थे, काम जाते थे। वो हर जगह उस बच्चे को ढूंढते थे, हर कमरे में जाके ढूंढते थे, हर बाथरूम में जाके देखते थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैं जाके उन आवाजों को बंद कराऊं, लेकिन मैं कैसे उन आवाजों को बंद करवाती? मुझे वो आवाजें सुनाई देती थी तो मैं बंद करवाती ना। मतलब आपने वो आवाज कभी सुनी नहीं थी? बस कल रात को पहली बार वो आवाज सुनाई दी मुझे। इस घर में आप लोग कल ही आए ना? कोई खास वजह यहाँ पर शिफ्ट करने की? क्योंकि हमारे घर में अचानक किसी बच्चे की रोने की आवाज शुरू हो गई थी। मतलब कि उस घर में भी इसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही? बाथरूम देख सकता हूँ? नहीं, वो बाथरूम वहाँ मत जाना, वो बच्चा वहीं पे हो सकता है, वो कुछ भी करेगा। तुम वहाँ पे मत जाना, तुम मत जाना। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बताइए वो बाथरूम किस तरफ? इस तरफ। और क्या क्या होता था उस घर में जहाँ से आप लोग यहाँ पर भागकर आए थे? वहाँ पे कभी कभी एक गुड़िया दिखाई देती थी। गुड़िया? कैसी गुड़िया? पता नहीं अभी तो आप कह रही थी कि वहां पर आपने एक गुड़िया देखी। मुझे नहीं, मयंक को दिखाई देती थी। तो मयंक ने आपको कभी बताया नहीं ये गुड़िया कैसी थी? मयंक ने बताया कि वो गुड़िया का चेहरा खून से सना था।
ये मेरे बच्ची की आवाज है। सोनिया, सोनिया, ये पानी कहाँ से आया? मालूम नहीं मम्मा। और क्या बेटा? वो सोफे के पीछे। सोफे के पीछे? कौन है सोफे के पीछे? एक लड़की है। लड़की? यहाँ पर तो गुड़िया है। जल्द से जल्द ये घर छोड़ देना चाहिए। ऐसे कैसे घर खाली कर दूं मैं? मेरी मयंक गायब हो गया, वो भी इसी घर से। शीतल, बात को समझने की कोशिश करो। क्यों अपने और अपने बच्चे की जान खतरे में मत डालो। जल्द से जल्द चली जाओ इस घर से। अरे मयंक वापस आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगी? मैं नहीं जाऊंगी यहां से। मैं नहीं जाऊंगी यहां से। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे तो डर लग रहा है, अगर शीतल यहाँ पर रहेगी तो उसकी जान को खतरा है, उसकी भी और उसकी बेटी की भी। लेकिन यामिनी, वो इस घर को कैसे छोड़ सकती है? उसका पति इस घर से गायब हो गया। पता नहीं वो वापस आएगा भी या नहीं। हाँ, मैं एक बात कहूँ, उस वक्त जब मैं घर के बाथरूम में था, एक पल के लिए लगा मुझे कि क्या, कि मैं गया। कोई था वहां पे? हाँ, कौन? दिखा तो नहीं, पर कोई था जरूर। बच्चा? हाँ, लेकिन बच्चे की आवाज के अलावा और कुछ भी था वहां पे? पता नहीं, एकदम भयानक सा था। चारों तरफ खून के धब्बे लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो अपने में कहानी कह रहा है। मयंक जिन आवाजों का पीछा करते हुए उस बाथरूम में गया था, वही आवाजें उसे अपने पिछले घर में भी सुनाई दे रही थी। मतलब वो आत्मा जो वहां थी, वो मयंक का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गई। और वो अभी भी इसी घर में? इसीलिए तो मैं शीतल को कह रही थी कि ये घर छोड़ दो। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर वो आत्मा चाहती तो मयंक को उसके पिछले घर में भी मार सकती थी। इस घर में लाकर उसे उसने क्यों मारा? जरूर इस घर में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से मयंक के सर पे वो आत्मा मंडरा रही। अरे वॉचमैन, उस मोहन प्लम्बर का क्या हुआ, आया या नहीं आया? सर, मैं उसे पिछले 3 दिनों से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठाता। अरे अगर फोन नहीं उठा रहा है तो उसको इसके घर पे से बुला कर लेके आओ। सर, मैं उसके घर भी गया था, उसकी बीवी बोली कि वो पागल सा हो गया है, उसे रात रात भर किसी बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है। बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है? उसके घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? नहीं सर, उसके घर में बच्चा नहीं है, फिर भी 24 घंटा उसे बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई देती है। ठीक है, तुम एक काम करो, दोबारा उसके घर पे जाओ, और अगर वो नहीं आता है तो फिर किसी दूसरे प्लम्बर का इंतजाम करो। नमस्ते।
नमस्ते जी, कहिए। क्या मोहन जी घर पे हैं? आप लोग वो हाँ, मेरे घर का नल खराब हो गया, उसी को रिपेयर करवाना था। इस वक्त मोहन तो घर पे नहीं है। घर पर नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि वो कुछ दिनों से काम पर नहीं जा रहे। जी हाँ, वो तो मैंने आज उन्हें जबरदस्ती काम पे भेजा। अगर वो थोड़ी देर घर पे और रहते तो उन्हें ना जाने किस किस की आवाज सुनाई देती। क्या सुनाई देता है? बच्चे के रोने की आवाज। आपको कैसे मालूम? आपको मोहन को बाहर नहीं भेजना चाहिए था, उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है वो इस वक्त कहाँ है? जी, वो पास वाली बिल्डिंग में है, जीवनधारा सोसाइटी है, वहीं गए हैं वो। एक काम कीजिए, आप जल्दी से जल्दी उसे फोन करके वापस घर बुला दीजिए। पर देखिए, हम आपको सब कुछ समझा देंगे, पर आप अभी इसी वक्त मोहन को जल्द से जल्द बुला दीजिए। मैं अभी फोन करती हूँ। वो फोन नहीं उठा रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्या आप जानती हैं कि वो सोसाइटी कहाँ पर है? जी हाँ। चलिए जल्दी हमें वाले चलिए। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? टंकी के अंदर जाकर देखो, चेक कर क्या प्रॉब्लम है, जल्दी आ। अरे जल्दी आना, खोले से पकड़ना। अरे क्या है? मुझे तो सिर्फ ये पानी दिखाई दे रहा है। कहाँ है बच्ची? तू भी ना देख, जरा देख। कोई नहीं है, देख कहाँ है बच्ची। तू तो ऐसे फेंक रहा है। नहीं मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं सच कर रहा हूँ। देख अब रोना धोना बंद कर, अब नखरे मत कर, जल्दी से काम निपटा, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तू इधर ही रहना। हाँ। अरे तू फिकर मत कर, इधर ही हूँ मैं। हेलो, हाँ बकिया रेस्टोरेंट। मोहन, मोहन कहाँ है? अरे वो अंदर टंकी। ये क्या? ये टंकी का ढक्कन बंद कैसे हो गया? ये मैं कहाँ गया? ये तो कैसा है? मुझे कोई निकालो, यहाँ से निकालो मुझे। मुझे कहीं निकालो, कोई है? अरे मुझे कहीं निकालो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। क्या? मैं अंदर जाके देखता हूँ। संभल कर। यहाँ पे तो कोई भी नहीं। ये मोहन आखिर गायब कहाँ हो गया? ये क्या है? लेकिन ये घड़ी मिली है। ये तो मोहन की घड़ी है। मोहन, मोहन, मोहन को भी उस बच्चे की रोने की आवाजें सुनाई दी थी और मयंक को, दो आदमियों को वही आवाज। अगर दोनों को एक ही तरह की आवाज सुनाई दे रही है और दोनों की मौत भी एक ही तरह हुई है तो फिर दोनों में कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर होना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज होगी जो इन दोनों को साथ में लेकर आई होगी? एक प्लम्बर ने रातों रात ऐसा क्या काम कर दिया जिससे उसे लाखों रुपए मिल गए? वही तो बात है, उसे वो लाखों रुपए मिले कहाँ से? मुझे तो लगता है कि ये लाखों रुपए में कोई गड़बड़ है। जब से उसे ये लाखों रुपए मिले तब से उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। शायद उन रुपए पे बच्चे का खून लगा होगा। बच्चे का खून? ओ माय गॉड। शाइनिंग लाइट सोसाइटी के लोगों को कुछ ना कुछ तो मालूम होगा। मोहन की आखिरी नौकरी वहीं पर थी। मौत की जगह भी है और दोनों को वो भयानक गुड़िया भी दिखी थी। हाँ, वो गुड़िया, वो भयानक गुड़िया। हाँ, मैं आज सुबह ही आ गई थी। वॉचमैन ने बताया कि मयंक की मौत हो गई है। सुनकर ऐसा धक्का लगा कि पूछो ही मत। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। देखो प्रिया, मुझे एक घंटा और लगेगा। क्या, एक और घंटा? हाँ, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊँ। देखो तुम प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो प्रिया, हेलो प्रिया, क्या हुआ प्रिया? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो, हेलो प्रिया, हेलो, हेलो, हेलो। नहीं कुछ नहीं, वो मैं जरा डर गई थी। डर गई थी? हेलो, 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 फोन कैसे कट गया? हेलो, हेलो, फोन डेड, डायल टोन भी नहीं आ रहा। अभी तो अच्छा भला चल रहा था। मोबाइल से फोन करती हूँ। बैटरी चली गई?
शाम को ही तो चार्ज किया था मैंने। कौन है, कौन है वहाँ? रोने की आवाज, कौन है वहाँ? देखो प्लीज, प्लीज बाहर आ जाओ। कौन है अंदर? यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज कहाँ से आ रही थी? ये इतना सारा गंदा पानी, ये बाथरूम में कहाँ से आ गया? इससे वही आवाज, कहाँ से आ रही है ये आवाज? कौन है, कौन है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रिया की आवाज, प्रिया, प्रिया, प्रिया दरवाजा खोलो, प्रिया, 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 क्या हुआ? प्रिया तो दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं। संभालिए अपने आप को। अब जाइए, इन्हें पानी पिलाइए, जाइए संभालिए। राकेश, ये वही राकेश तो नहीं जो मयंक का कजन है? और इस खून को देखा, ये ठीक उसी तरह हुआ जिस तरह से मयंक का खून हुआ था। मतलब ये आत्मा सभी को इस वॉश बेसिन के अंदर खींच लेती है। लेकिन वॉश बेसिन में खींचने के बाद आखिर जाति का होगी लाश? ऐसा काम है यार हमारा, थिएटर में भी आना पड़ता है।
तुम दोनों उस तरफ जाके देखो, मैं वहां देखता हूं। राघव, यहाँ पे ठीक वैसे ही बदबू आ रही जैसे उस कमरे में आई थी जहाँ पे हमें वो गुड़िया मिली थी। इसका मतलब कि वो गुड़िया यहाँ से आई है, और इसका मतलब ये भी कि शायद वो आत्मा यही कहीं पे। यामिनी, हाथ, ये तो मायंक की लाश है। आत्माओं के घर में आ गए हम यामिनी। मुझे लगता है कि बाकी लाशें भी हमें यहीं मिलेंगी। ये तो प्रिया है। लगता है काफी दिनों से यहां पर पड़ी हुई।
यहाँ पर एक औरत की लाश है, वो खोलो। ये तो वही गुड़िया जो उस दिन हमें घर में मिली थी। सोनिया कह रही थी ना कि एक छोटी सी बच्ची आती गुड़िया लेकर, शायद ये वही लड़की है और इसी की आत्मा वहां पर आती है। ये क्या है? ये फोटोज किसकी हो सकती है? प्रिया को मुझसे आखिर छीन ही लिया ना तूने। जब तक जिंदा थी कोई खुशी नहीं थी मुझे, और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ दिया तू। ये किसकी रोने की आवाज? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम अंदर कैसे घुसे? कौन है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम यहां क्या कर रही हो? तुम तो मर चुकी थी ना। खोलो, अरे दरवाजा खोलो, निकालो मुझे यहां से, खोलो दरवाजा, खोलो, अरे खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, निकालो यहां से मुझे, अरे निकालो मुझे यहां से। चित्रा, तुम चित्रा, चित्रा तुम मुझे माफ कर दो, चित्रा तुम मुझे माफ कर दो, चित्रा ये सब कुछ गलती से हो गया, चित्रा बिल्कुल गलती से हो गया, माफ कर दो मुझे। बेटी 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 पापा को माफ कर दो, पापा ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया बेटी, प्लीज माफ कर दो पापा को। तुमने मुझे माफ कर दिया ना बेटी, तुमने पापा को माफ कर दिया ना चित्रा, तुमने मुझे माफ कर दिया ना। शायद वहां से आ रही है।
किससे अपने जान की भीख मांग रहे हो? वो दोनों मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्लीज। किन आत्माओं की बात कर रहे थे? उस बच्चे और औरत की? तुम्हें तुम्हें कैसे पता? हमें उस औरत के गले में ये लॉकेट मिला। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। उन दोनों के मौत के जिम्मेदार कहीं तुम तो नहीं? पता नहीं कैसी मनहूस शाम थी। मैं वह घर पे मयंक के साथ बैठ के दारू पी रहा था। पूछ लिया क्यों? हाँ हाँ क्यों? क्योंकि मैं प्रिया से प्यार करता हूँ, समझे? आज तो फैसला होकर ही रहेगा, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। एक कदम भी बाहर निकाला ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है समझी, और यहाँ मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अच्छा अगर ये बात है तो मुझे रोक कर दिखाओ। देख मुझे गुस्सा मत दिला, बोल रहा हूँ तेरे को। नहीं तो क्या करोगे तुम? मुझे जान से मार दोगे ना? तो मार दो मुझे, मार दो मुझे जान से। हाँ मार डालूंगा, आज तो मार ही डालूंगा तुझे। मार दो मुझे। देखना चाहती है, देखना चाहती हो तू? ये क्या किया राकेश, भाभी को मार डाला। जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये शुभ काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। मम्मी 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 चलो उठो। क्या बात? मेरे को चीख सुनाई दी साहब। या कोई चीख नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अरे रुको ना, देखने दो। अरे सुनो तो। अरे ये क्या है बेटा? क्या हो गया बेटा? आगे खोलो, आगे खोलो। उसके बाद हमने प्लम्बर की भी मदद की, लास्ट तो यहीं पे सुधारने लगा दिया, यहाँ गटर में। शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बीवी और बेटी दोनों को मार दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी बचा लो मुझे प्लीज। तुम लोग मुझे नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते तुम लोग मुझे, मुझे मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता मुझे। राकेश कोई नहीं बचा सकता। राकेश राकेश रुक जाओ। छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे प्लीज। चित्रा छोड़ दो मुझे। उन्होंने अपना बदला, पता नहीं अब इस बच्ची की सिसकियां फिर से सुनाई देंगी या नहीं। बाय रवि। बाय अमित। राखी गुड नाइट। गुड नाइट, तुम लोगों के लिए गुड नाइट है, मेरे लिए तो दिन शुरू हुआ है। चलो फिर, सी यू। ओके बाय बाय। कमाल है यार, मैं तुझे हमेशा डराने की कोशिश करता हूँ, तू डरती नहीं। लिसन, मुझे किसी से डर नहीं लगता। अच्छा? या आधी रात के बाद आने वाली आत्माओं से भी नहीं? रवि, आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं, लोगों के मनोरंजन के लिए। ऑलराइट, ए 12 बजने वाले, मुझे अपना शो शुरू करना है, सो सी यू। ए तू काम कर, मैं तो घर जा रहा हूँ। सी यू बाय।
हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हियर वी गो, ग्रेट। आधी रात के बाद, जी हाँ, आधी रात के बाद कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में सोचना ही इंसानों के लिए भयानक हो सकता है। सुनसान अंधेरी गलियों में सुनाई देती है किसी आत्मा की आहट। क्या आपने कभी किसी आत्मा की आहट सुनी है या फिर कभी किसी आत्मा को देखा है? अगर हाँ तो हमें फोन कीजिए और सुनाइए अपनी डरावनी कहानियां। हमारा फर्स्ट लकी कॉलर, लेट्स हियर इट। हेलो, आधी रात के बाद में आपका स्वागत है। आपका नाम प्लीज? नम्रता। नम्रता जी, सुनाइए अपनी डरावनी कहानी। देखिए, ये कहानी नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। कुछ दिन पहले मैं जैसे ही अपने कॉलेज पहुंची, तो मैंने देखा अचानक सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से गायब हो गए। क्या? हाँ, और दिन से अचानक रात हो गई। कॉलेज के सभी दरवाजे बंद हो गए। मैं बाहर भागने की कोशिश करने लगी, पर तभी मेरे सामने एक ऑफिसर खड़े खड़े गायब हो गया। नम्रता जी, मैं आपको याद दिला दूं, हमारा जो ये शो है ना, आधी रात के बाद, ये डरावनी कहानियों का शो है, कोई चुटकुलों का नहीं। सो थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो वेट करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर का। नेक्स्ट कॉलर, हाँ जी, आपका नाम? नाम इंसानों का होता है, आत्माओं का नहीं। आत्मा? आत्मा हूँ मैं, आत्मा। किसकी आत्मा? मूर्ति की आत्मा। वाह वाह, पहली बार किसी आत्मा ने हमें खुद फोन किया है। ग्रेट, हमारे तो भाग ही खुल गए। तो आत्मा जी, अपनी कहानी सुनाइए प्लीज। रात का वक्त था, सब सो चुके थे, पर वो नहीं सोया। बहुत शौक था ना उसे रात को टीवी देखने का। Oh!
और फिर पूरे फ्लोर पे खून बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। वाओ, इतनी डरावनी कहानी सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आत्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी कहानी सुनाई। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ प्लीज? मैंने कहा ना, आत्माओं का नाम नहीं होता। ओके, राइट। लेकिन जब आप जिंदा थे तब तो कोई नाम होगा ना? हेलो, हेलो, हेलो। उप्स, लगता है हमारा आत्माओं की दुनिया से संपर्क टूट चुका है। नो प्रॉब्लम्स, आज की रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ, लेकिन आधी रात के बाद। सो फिलहाल एक सॉन्ग सुनिए। राखी, तुम्हारे शो ने तो तहलका मचा दिया, तहलका। चारों तरफ सिर्फ तुम्हारे शो की गूंज है और सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। I'm so happy. Thank you so much, sir. और मुझे तो यकीन नहीं आता कि लोगों को ये डरावनी कहानी इतनी पसंद आएगी। Actually. Congrats, Rocky. Thanks, Ravi. But you know what? Thanks to manager, sir, कि मेरे आइडिया पे इतना भरोसा दिखाया और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। अरे भरोसा तो करना ही था भाई, और मैं तो वैसे ही शुरू से कॉन्फिडेंट था इस शो को लेकर कि ये जरूर हिट होगा। और कल रात की वो आत्मा वाली कहानी, मेरी तो खुद की हालत खराब हो गई थी सुनकर। Sorry to interrupt, sir. लेकिन 12 बज चुके हैं, मेरा शो शुरू होने वाला है। So I leave. Please carry on. Thank you. See you. Okay guys, please carry on. Yeah. रवि, yes sir. तुम जरा दो मिनट रुको। Yes. कल रात का जो शो था, जो प्रोग्राम था, वो तुम और सुरेश दोनों मिलकर होस्ट करने वाले थे। तुमने अकेले क्यों होस्ट किया सर? सर क्या करता, सुरेश आया ही नहीं। सुरेश आया नहीं? नो सर। सो अनप्रोफेशनल। तुमने उसे फोन किया था? किया था सर, पर उसका फोन बंद आ रहा था। फोन बंद आ रहा था? यस। पर आज से पहले तो सुरेश ने ऐसे कभी कुछ किया नहीं। हाँ, तुम एक काम करो, कल उसके घर पर जाओ और पता करो कि आखिर ये चक्कर क्या है। ओके सर। हे, हमारा फर्स्ट लकी कॉलर। हेलो, वेलकम टू आधी रात के बाद। आपका नाम? आत्मा जी, आप फिर से, वेरी गुड। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आधी रात के बाद एक आदमी अपने घर जा रहा था अपने ऑफिस से कि तभी अचानक उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। कि बाइक को भी यहीं खराब होना था। इतनी रात को अब घर कैसे जाऊं? कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। बस स्टॉप, शायद कोई बस मिल जाए। ट्राई करता हूं। आखिरी बस की टाइमिंग 12:10। अभी बजे 12, मतलब 10 मिनट। हो सकता है कोई बस मिल जाए। अरे बॉस, आखिरी बस चली गई क्या? हो, थैंक गॉड। वैसे आप भी इसी बस में जाने वाले हैं क्या? बॉस, बस आ गई, तैयार हो जाओ। आत्मा जी, आप मुझे प्लीज एक बात बताइए, आपके पास क्या डरावनी कहानियों की कोई किताब है जो आप रोज नई नई अच्छी अच्छी कहानियां हमें सुनाते हैं?
ग्रेट। आई एम वेरी श्योर कि हमारे लिसनर्स बहुत उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि इस आत्मा का आखिर नाम क्या है। लिसन, मजाक कुछ हद तक अच्छा लगता है, उसके बाद सब तुम्हें मजाक लग रहा है। जो कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कहानियाँ नहीं है, ये सब सच्चाई है, सच्चाई। आज सुरेश ऑफिस नहीं आया ना? सुरेश, आप सुरेश के बारे में कैसे जानते हैं? शायद रसोई घर में होगा, मैं जाकर देखता हूँ। रवि एक मिनट, अगर ये कहानी सच्ची है ना रवि, तो वो रसोई में नहीं अपने बेडरूम में होगा। बेडरूम में? हाँ, और उसके कमरे का दरवाजा खुला होगा। दरवाजा तो खुला हुआ है। और दरवाजे के आसपास खून के छींटे हैं क्या? और उसकी लाश दरवाजे पर पड़ी होगी। इसका मतलब वो लाश भी दरवाजे के आसपास ही होनी चाहिए। राखी, यहाँ पे कोई लाश वाश नहीं है। टेबल गिरी हुई है। हाँ, ये तो बिल्कुल लैंप भी गिरा हुआ है। टीवी केबल। टीवी का केबल भी निकला हुआ है। देखा बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे उस आत्मा ने अपनी कहानी में बताया था। बिल्कुल वैसा ही, देखो तो सही रवि, लैंप, टेबल, टीवी की। रिलैक्स राखी, जरूर सुरेश ने ये सब चीजें पहले से रखी होगी। अच्छा, तो ये खून? अरे ये खून नकली भी तो हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, अगर सारी बातें सच होती तो हमें सुरेश की लाश यहाँ पे मिलती? ये तुम्हें मिली नहीं ना? ये सुरेश को तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज।
क्या हुआ राखी, क्या हुआ? सुरेश दीगा, मैंने कहा था ना तुमने मेरी बात पे यकीन नहीं किया था ना। इसका मतलब वो दूसरी बात भी सच होने वाली है, वो बस स्टॉप वाली बात भी सच होने वाली है। What? ये सब सच होने वाला है, मैं भी नहीं बचूंगा। पर वो आदमी तो जिंदा ही होगा ना, पर उसने किसी को पता है क्यों नहीं सातमा के बारे में? तुझे क्या लगता है कि सच में कोई आत्मा है? अगर मैंने इन लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया तो हो सकता है वो आत्मा सुरेश की तरह मुझे भी मार डाले। नहीं, मैं तो शहर छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन उस फोन करने वाले को कैसे पता चला सुरेश के बारे में? हो सकता है उसी ने फोन किया और उसे मार दिया। मैं अभी आया। नहीं, वो 11:15 बज चुके हैं। यामिनी 11 बजे आने वाली थी। यामिनी के बारे में सोच रहा है? टेंशन मत ले, फोन आ गया था। फोन आ गया था? उसने तुझे फोन किया? क्यों, नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुझे फोन कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है उसमें? क्या कह रही थी? कौन? अरे यामिनी के बारे में? हाँ कुछ नहीं यार, शादी कर रही है ना, लड़के वाले आ रहे देखने के लिए। क्या, लड़के वाले देखने आ रहे हैं? लेकिन एक बात तो है यार, जिस किसी के भी साथ यामिनी की शादी होगी ना, वो लड़का खुश नसीब होने वाला है, लिख के ले ले। शायद। वैसे कौन है वो लड़का, करता क्या है? बोला था मैंने तेरे को, सोच यामिनी के बारे में थोड़ा सोच। लेकिन तू जनाब मेरी बात मानते कहाँ है? कोई बात नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा। अब जब यामिनी की शादी होगी ना, मेरे साथ बारात में नाचना। हाँ हाय यामिनी। बातें हो रही थी? कुछ नहीं है, वही टाइम पास कर रहे थे। तो सब कुछ फाइनल हो गया? फाइनल? किस बारे में? तुम्हारी शादी की, वो लड़का आ रहा था तुम्हें देखने के लिए। शादी, लड़का, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हें किसने बताया? किसने? इसने? और तुमने भरोसा कर लिया? क्या है राघव, शादी, लड़का, क्या ये सब? अरे यार, कब से तेरे बारे में पूछ पूछ के बोर कर दिया इसने मुझे, बोर दिया बम। मैं कब पूछा था इसके बारे में? वैसे तुम्हें देर क्यों हो गई? तुम लोगों ने रेडियो नेशन का नाम सुना है? हाँ, वो रेडियो स्टेशन। उस पर हर रोज रात को 12 बजे एक शो आता है, आधी रात के बाद। हाँ, ये वही शो है ना जहाँ पर लोग फोन करके अपनी डरावनी कहानियां सुनाते हैं? करेक्ट, उसी शो के बारे में पता लगा रही थी। सुना उस प्रोग्राम में जो भी कहानियां आ रही वो सच होने लगी। क्या? हाँ, कहानियां सच होने लगी। हाँ, और सुना है कि वहाँ कोई आत्मा खुद फोन करती है। आत्मा फोन करती? अगर ये बात सच है तो आज हम लोग खुद ये प्रोग्राम सुनेंगे। Thank you.
आधी रात के बाद दूसरी दुनिया की दस्तक आप तक पहुंचाने हम फिर से हाजिर हैं। आधी रात के बाद हमारे इस मिडनाइट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जिनका दिल कमजोर है वो ये प्रोग्राम बिल्कुल ना सुने, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम आपको सुनाने वाले हैं डरावनी डरावनी कहानियां। तो चलिए देखते हैं कि अब हमें नेक्स्ट कॉल कौन करता है। रात के बाद में आपका स्वागत है। लेकिन वो दूसरी बस स्टॉप वाली कहानी तो सच नहीं हुई ना? वो भी सच्ची थी, पर बेचारा राकेश इतना डर गया था कि उसका मुंह ही नहीं खुल पाया। राकेश, राकेश, मतलब ये दूसरा हादसा राकेश के साथ हुआ था? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों ने रेडियो कहानी सुनने के लिए चला रखा है, तुम्हारे सवाल सुनने के लिए नहीं। तुम रुको, तुम कोई कहानी मत सुनाना, वरना वो भी सच हो जाएगी। वो तो होनी ही है। सुनो। नहीं। आधी रात के बाद एक नौजवान लड़का अपना मोबाइल ऑन करता है रेडियो पर तुम्हारा शो सुनने के लिए, पर ये क्या, घर के अंदर तो नेटवर्क ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाहर गार्डन में कोशिश करते हैं। अरे यार, मेरा मोबाइल का रेडियो सिग्नल क्यों नहीं पकड़ रहा? अरे यार, अब तो मेरा शो भी शुरू हो गया होगा। इसे बचाना होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये किसके साथ हो रहा है। पर वो इसे मार डालेगा हर्ष। मत मारो उसे, प्लीज प्लीज रुक जाओ, मत मारो उसे। मर गया वो।
तुमने उसे मार डाला, मार डाला उसे। हाँ, जानती हो वो कौन था? कौन? एक ऐसा इंसान जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। कौन? किसे मार डाला तुमने? हाँ, जवाब दो, बताओ किसे मार डाला तुमने? रवि को। रवि को? रवि को तुमने, तुमने रवि को मार दिया? लेकिन क्यों? क्या बिगाड़ा था उस बेचारे ने तुम्हारा? तो मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? हाँ? लेकिन तुम्हारे साथ हुआ क्या था? और तुम इस रेडियो स्टेशन के लोगों को निशाना क्यों बना रहे हो? वक्त आने पर वो भी जान जाओगी। बस अब इंतजार करो, कल रात को दोबारा फोन करूंगा मैं और सुनाऊंगा एक भयानक कहानी। रेडियो जर्नलिज्म के नकली स्टूडेंट्स बनकर हम यहाँ तक तो पहुँच गए, पर क्या हम ताक जाक कर पाएंगे? अरे जब राघव तुम लोग के साथ है तो तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो यार? चल चेक करते हैं। टेप रिकॉर्डिंग। ये लोग सारे शोज इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते होंगे। शायद ये कल रात की टेप हो। चेक करके देखो। इसमें से तो कोई आवाज नहीं आ रही। आवाज रिकॉर्ड नहीं है तो क्या हो गया? इतनी समय वो नंबर तो मिलना चाहिए जिससे वो आत्मा फोन करती थी। शायद वो नंबर इस कंप्यूटर में हो। चेक करता हूँ। ये वाली कॉल तो आज सुबह ही आई है, रात के 12 बजे का। देख, ये क्या? कल रात को आखिरी कॉल 10:30 बजे आई थी, 12 और 12:30 के बीच में कोई कॉल नहीं आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आत्मा किसी नंबर से तो कॉल कर रही होगी ना। पिछले दिन के रिकॉर्ड चेक करो। बाकी सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। बड़ी अजीब बात है, ये आत्मा आखिर चाहती क्या है और ये राखी को ही कॉल क्यों कर रही है? सर, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। अगर हमने ये शो बंद नहीं किया ना, तो न जाने कितने बेगुनाह मारे जाएंगे। राखी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक हिट शो को बंद करने का तुम मतलब जानती हो? लोग हमारे रेडियो स्टेशन को सुनना बंद कर देंगे और लाखों का नुकसान होगा, वो अलग। सर, आपको पैसों की पड़ी है और यहाँ लोगों की जाने जा रही है, उसका क्या? अरे किसी की जान नहीं जाएगी। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आता है तो सब लोग आज यही रुको ऑफिस में, कोई कहीं नहीं जाएगा। सर, अगर उस आत्मा ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया तो ठीक है, कहानी कैंसिल, हम लोगों को कुछ और सुना देंगे, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। कहानी की जगह क्या सर? व्हाट अबाउट चैट शो? चैट शो के बारे में क्या ख्याल? एक काम करते हैं, किसी मेहमान को बुलाओ और उनसे उनके एक्सपीरियंस पूछो आत्माओं के बारे में, और आज कोई फोन पिक नहीं करेगा। और एक बात और, इस ऑफिस से आज कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक ये शो खत्म नहीं हो जाता। क्लियर? यू गाइस कैन लीव। यामिनी, तुम एक काम करो, तुम इस शो में मेहमान बनकर चली जाओ। हाँ, इसी बहाने हमें यहाँ रहने का मौका मिल जाएगा और फिर हम ये भी जान पाएंगे कि वाकई कोई आत्मा यहाँ पर फोन करती है या नहीं। राखी। यस। हाय, मेरा नाम यामिनी है, ये राघव और ये हर्ष। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? राखी, आप ही का शो आता है ना 12 बजे के बाद? जी। हमने सुना है कि आपके शो में
जो भी कहानियां आती हैं वो सच हो जाती हैं? हाँ जी, और मैं बहुत परेशान हूँ शो को लेकर। देखिए राखी, हमने आपकी सारी बातें सुन ली है, हम आपकी ये कहानियां रोकने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मेरी मदद कैसे करेंगे? वो आप हम पर छोड़ दीजिए। आज मैं आपके शो पर मेहमान बनकर आना चाहती हूँ। आधी रात के बाद में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, बल्कि आज हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जिससे हम आत्माओं के बारे में बात करेंगे। उसका उसका नाम है यामिनी। यामिनी, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू राखी। अच्छा यामिनी, एक बात बताइए, आपने कभी आत्मा को देखा है? हाँ, मेरा सामना कई बार आत्माओं के साथ हुआ है। आपको डर नहीं लगता? मैंने सुना है कि आत्माएं इंसान को खा जाती हैं। नहीं, सारी आत्माएं बुरी नहीं होती, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये तो उस आत्मा का ही फोन लगता है। फोन मत उठाना, कोई फोन मत उठाना। बोला था ना कुछ नहीं होगा। तुम लोग खाब खा डर रहे थे। एनीवे, अब तुम लोग एक शो सुनो, मैं जरा वॉशरूम होके आता हूं। उस आत्मा ने फोन काट दिया, कहीं फोन ना उठाने का अंजाम और भी ज्यादा बुरा ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। हम आपकी बातचीत जारी रखेंगे यामिनी के साथ, तब तक आप एक गाना सुनिए। कौन है वहां पे? मैं पूछता हूं कौन है वहां पे? कौन है यहां पे? कौन मजाक कर रहा मेरे साथ? मैं पूछता हूं कौन है यहां पे? कौन है यहां पे? मजाक मत करो मेरे साथ। कौन है वहां पे? मैं पूछता कौन है यहां पे? कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? कौन है यहां पे?
रोका गया ना तो वो मैनेजर साहब को भी मार देगा। मैनेजर? लेकिन मैनेजर तो बाथरूम क्या हुआ? मैं अभी जाके देखता हूँ। इस कहानी को रोको। इस कंसोल का मेन पावर सप्लाई कहाँ है? अगर ये मौत का प्रोग्राम बंद नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मैं तो ये नौकरी छोड़कर जा रही हूं। मेरा अब इस रेडियो नेशन से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब यहां से जाएंगे। मैंने मैनेजमेंट से बात कर ली है, वो इस रेडियो नेशन पे ताला लगाने आ रहे हैं। चलो अच्छा ही हुआ। अगर ये कदम पहले ही उठा लिया होता तो सुरेश के बाद और मौतें नहीं होती आज। चलो चलते। रमेश, रमेश ये लो ये चाबियां, सारे दरवाजे बंद कर दो, जाओ। तो आपका ये रेडियो स्टेशन बंद हो रहा है? हाँ, और इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस बात की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आत्मा है कौन और चाहती क्या है। और ये भी कि उस आत्मा ने तुम्हारा शो ही क्यों चुना, लोगों को मारने के लिए। अगर इस बात का जवाब मेरे पास होता ना तो इतने लोगों की मौतें ही नहीं होती। अच्छा तो तुम क्या ये बता सकती हो कि ये शो शुरू करने का आइडिया तुम्हारे पास कहां से आया? वो एक बार मैंने ना रोहित नाम के एक लड़के के बारे में सुना था जो रेडियो के जरिए आत्माओं को बुलाने की कोशिश करता था। बस मुझे भी वहीं से आइडिया आया कि क्यों ना हम भी आत्माओं के ऊपर एक ऐसा ही शो करें। तो क्या ये रोहित कामयाब हुआ था? क्या वो रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंच पाया था? वो तो मुझे नहीं पता। क्या आप हमें कहीं से रोहित का एड्रेस दे सकती हैं? रोहित मर चुका है। रोहित मर चुका है? ये कब हुआ? उस मनहूस रात को जब फिर से वो कोशिश कर रहा था रेडियो के जरिए आत्माओं तक पहुंचने की। ये आवाज कैसी? ये आवाजें दूसरी दुनिया से तो नहीं? हाँ, ये आत्माओं की दुनिया से। मिल गई मुझे। इतनी कोशिशों के बाद ये फ्रीक्वेंसी मिल गई मुझे, जिससे मैं आत्माओं से संपर्क कर सकता हूँ। मिल गई मुझे। मत मारो मुझे। मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या तुम मेरी आवाजें सुन सकते हो? मैं इंसानों की दुनिया से बोल रहा हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो? मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस आत्माओं से बात करना चाहता हूँ। बस चुप। अरे आत्माओं को परेशान नहीं करते, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? मैं दरवाजा खटखटाती रही पर वो बेचारा खोल ही नहीं पाया। आज भी उसकी चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है। वाकई आपके बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ। आत्माओं से बात करने के जुनून ने जान ले ली उसकी। आंटी, क्या आपने रेडियो नेशन नाम के एक रेडियो स्टेशन के बारे में सुना है? वहाँ पर एक प्रोग्राम आता है रात के 12 बजे, जिसका नाम है आधी रात के बाद। दरअसल
उस प्रोग्राम में जो भी डरावनी कहानियां आती हैं वो कहानियां सच हो जाती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानती हैं? क्या आप जानती हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे पता है। जो आत्मा रोज वहां फोन करती है वो मेरे बेटे रोहित की ही है। क्या वो रोहित की आत्मा? हाँ, पहली बार ये आवाज सुन के मैं पहचान गई थी कि ये मेरे रोहित की ही आवाज है। पर रोहित ऐसा क्यों कर रहा है? क्या पता, शायद उसके साथ जो हुआ है उसी का बदला ले रहा हो। लेकिन वो मासूम लोगों से अपना बदला क्यों ले रहा है? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? नहीं, रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। तोड़ दिया? तोड़ने से पहले क्या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी देखी थी? हाँ, कुछ याद नहीं। हाँ, शायद 87.5। ये तो रेडियो नेशन वाली फ्रीक्वेंसी है। इसलिए रोहित की आत्मा रेडियो नेशन के उस प्रोग्राम में आती है और वहां पर काम करने वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। कितनी अजीब बात है ना, कैसे इंसान अपने गुस्से का बदला उन लोगों पे निकाल देता है जिन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, जैसे रोहित की आत्मा ने रेडियो नेशन के लोगों के साथ किया। पर यार, गलती तो उन रेडियो वालों की भी है ना, क्या जरूरत थी उस फ्रीक्वेंसी पर जाने की? लेकिन राघव, उन्हें क्या पता था कि उसी फ्रीक्वेंसी में रोहित की आत्मा आएगी और उनके पीछे पड़ जाएगी। चल छोड़ यार, वैसे भी अब वो रेडियो नेशन बंद हो चुका है। आधी रात के बाद में आप सभी लोगों का ये आत्मा स्वागत करती है। हर्ष, 12 बज चुके, रेडियो ऑन करके देखो क्या आ रहा है। चेक करो। आधी रात के बाद में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्रोग्राम का होस्ट भी मैं हूँ, कहानी सुनाने वाला भी। ये आवाज तो रोहित की है ना? शायद रोहित की आत्मा ने रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया है। पता नहीं यार, इस बार किसकी मौत लिखी है इस कहानी में? ये कहानी है एक रेडियो चौकी की जो अपने ऑफिस में कुछ जरूरी कागज भूल गई है। अब वो उन्हें लेने जा रही है। अकेली काले रंग के बैग से वो ऑफिस की चाबी निकालती है। काले रंग का बैग? काले रंग का बैग तो राखी के पास भी है, कहीं है उसकी बात तो नहीं कर रहा? हमें राखी को बचाना होगा। पर कैसे हर्ष? क्या आपके पास वो रेडियो सेट है जिसके जरिए वो आत्माओं तक पहुंचने की कोशिश करता था? रोहित के मौत के कुछ दिनों बाद कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गई थी उस रेडियो में से। डर के मारे मैंने तो उस रेडियो को ही तोड़ दिया। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, रेडियो नेशन के टावर को हमें तोड़ना ही होगा, तभी जाके वो आत्मा गायब होगी। मैं एक काम करता हूँ, यामिनी को फोन करके रेडियो नेशन बुला लेता हूँ। रोहित की आत्मा वापस आ गई है और आज रात को वो राखी को अपना शिकार बनाने वाली है। क्या? हाँ, तुम दोनों ऐसा करो, तुम जाकर राखी को ढूंढो, मैं ऊपर जाकर ट्रांसमीटर टावर तोड़ता हूँ। अब राखी को बचाने का बस एक ही तरीका है, इस एंटीना टावर को तोड़कर
रेडियो की फ्रीक्वेंसी चली जाएगी और वो आत्मा राखी तक नहीं पहुंच पाएगी। लाइट्स, लाइट्स को क्या हो गया? टॉर्च, टॉर्च कहाँ गई? फाइल तुम दोनों ने चीख सुनी? ये चीख राखी की है। लगता है लाइट ट्रिप हो गई। मैं जाके मास्टर से चेक करता हूँ, तुम दोनों ढूंढो। तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक छत पे लगे हुए एंटीना टावर को हम तोड़ नहीं देते। वक्त बहुत कम है यार, हमें जल्द से जल्द वो एंटीना टावर तोड़ देना चाहिए इससे पहले कि वो आत्मा आकर इसे फिर से मारने लगे। ठीक है, चलो क्या मैं लेकर आऊं? जल्दी करते यार, आत्मा कभी भी वापस आ सकती है।
तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, अब वो आत्मा तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। हे, यामिनी कहाँ है? यामिनी, वो मुझे बचाने के लिए खुद आत्मा का सामना कर रही है। क्या? यामिनी! यामिनी, तुम ठीक तो हो? हर्ष, राखी, यामिनी, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? यामिनी, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। वो आत्मा ट्रांसमिटर तोड़ने के बाद वो आत्मा चली गई। रोहित की आत्मा उसी फ्रीक्वेंसी के जरिए इस धरती पर आई थी। हर्ष, हमें बाकी सारी रेडियो स्टेशन में ये बता देना चाहिए कि आइंदा गलती से भी उस फ्रीक्वेंसी पर ना जाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।